इतना सारा सामान हम लोग लेके जा रहे हैं। और चंपा के पास देखो क्या क्या है, ये बैग, म्यूजिक सिस्टम, यहाँ पे देखो गुलदस्ता बनाया जा रहा है, दांत से ही टेप काटा जा रहा है ममता दी के द्वारा। जो है एक तो कलश बना रखा है, अलग अलग गाँव की जिम्मेदारी दे रखी है। तो ये एक गांव का अभी आया हुआ है और दो मालाएं इन्होंने बना दी हैं। और तो अभी आप पीछे देख सकते हैं लगभग महिलाएं जो हैं आ चुकी हैं। तो यहाँ पे अभी ना पूजा की तैयारी चल रही है और टीका वगैरह तैयार कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये कलश रखे हुए हैं, जो कलश जो है ये तांबे के बनाए गए हैं। ये भी समूह के महिलाओं के जो परिवार वाले हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं। तो आप तो यहाँ पे मुख्य अतिथि जी के स्वागत के लिए सभी महिलाएं तैयार हैं। तो रिबन भी गेट में लगा दिया है, तो सर लोग जो है पहुँच गए। स्वागतम 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 हमारे देश के बहादुरों के बलिदान का सम्मान करने और देश। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं हूँ आशा खेतवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आशा ब्लॉग्स में। और मैं आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ बागेश्वर के भटखोला गांव। हाँ, तो भटखोला ग्राम पंचायत है, यहाँ चंपा का क्षेत्र है। चंपा और ममता दी आ रहे पीछे से। तो आज यहाँ पे कुछ खास है, तो CLF का उद्घाटन यहाँ पे है। बहुत सारी तैयारियाँ, कल भी हम इधर ही थे। और इतना सारा सामान हम लोग लेके जा रहे हैं। और चंपा के पास देखो क्या क्या है, ये बैग, म्यूजिक सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे माइक और उसकी भी व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग बागेश्वर से ही लेके आए हैं और देखेंगे अभी, क्योंकि CLF का उद्घाटन जो रहता है तो काफ़ी धूमधाम से रहता है। तो आज वीडियो सर लोग भी आने वाले हैं, तो इसलिए सभी महिलाएं यहाँ पे अपना जो उत्तराखंड का पारंपरिक जो परिधान है तो उस पर आते हैं। तो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं अभी, और जाहिर है अभी तो हम आधे रास्ते में हैं चढ़ाई पे। तो ये देखो, इसको दिखा दो एक बार अच्छे से। ये है, साउंड भी है और इसमें रिमोट वगैरह सब है। और ममता दी के हाथ में देखो पीने के लिए कितना बड़ा बोतल लेके आ रहे, कौन सी वैरायटी है आप देख सकते हैं बताइए। और इसमें भी खाने वाला सामान है, इसमें भी, बाकी आपको हम क्या बताएं, बताइए आपको। हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और पहुँचने के बाद ममता दी यहाँ पे बैठ गई है, रेस्ट कर रही है। और माया तो हमसे पहले पहुँच गई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे टेंट लग रहा है, पूरी तैयारी यहाँ पे चल रही है अभी, क्योंकि 2 बजे है उद्घाटन, अभी तो नहीं है, 2 बजे से है। तो टेंट वगैरह यहाँ पे लग रहा है, मंच भी बनेगा अभी थोड़ी देर में। तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी इसलिए आ गए क्योंकि हम लोगों ने थोड़ी सी यहाँ पे तैयारी करनी थी। तो दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में फिर से एक बार, थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। और ममता दी को देखो गाड़ी लगी है, आज भी नींबू खा रहे हैं, नींबू नमक लेके आए हैं घर से और नींबू खा रहे हैं। और माया का यहाँ पे चल रहा है चार्ड, क्योंकि चार्ड बना के लेके आई है, तो चार्डों में हिसाब किताब इसका चल रहा है। और टेंट लग के यहाँ पे फाइनल हो चुका है और दरिया वगैरह भी बिछा दी हैं। और वहाँ पे चल रहा है, 2-3 महिलाएं आई हैं, वो जो है मालाएं और गुलदस्ते बना रहे हैं। एक बार दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे जो है एक तो कलश बना रखा है, अलग अलग गाँव की जिम्मेदारी दे रखी है। तो ये एक गाँव का अभी आया हुआ है और दो मालाएँ इन्होंने बना दी हैं। और यहाँ पे ये लोग जो है गुलदस्ते बना रहे हैं। और ये ही जो है CLF की अध्यक्षा है चेतना। और ये भी साथ पे है और ये अभी गुलदस्ता बना रहे हैं यहाँ पे। बाकी लोग अभी पहुँचे नहीं हैं क्योंकि अभी टाइम है, अभी क्योंकि 2 बजे से प्रोग्राम है, तो अभी लगभग 11:30 हो रहे हैं। बाकी लोग जब आएंगे फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये बिछा दी है चटाइयाँ और ये लगा दिया है टेंट, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा मंच बनेगा, अभी कुर्सी वगैरह कुछ नहीं लगाए हैं, खाली हल्का सा यहाँ पे टेंट लगाया हुआ है। और ये बैनर है जिसको हमने लगाना है। और इनके जो क्लस्टर है उसका नाम भी रखा है चेतना महिला स्वायत्त सहकारिता, पंतगाँव न्याय पंचायत है ये। तो एक बार जो है हम लोग ममता दी और मैं जो है इस पर जो है बैनर लगा लेते हैं। तो
ये लगा दिया है यहाँ पे हम लोगों ने बैनर, और अभी कुर्सियाँ वगैरह आती हैं तो उसके बाद फिर मंच को भी बना देते हैं। यहाँ पे देखो गुलदस्ता बनाया जा रहा है, दांत से ही टेप काटा जा रहा है ममता दी के द्वारा, और क्योंकि मेरे ही दांत बहुत कितना प्यारा है गुलदस्ता। तो अभी ना हम लोगों ने थोड़ा सा डेकोरेशन चेंज कर लिया, ऊपर साइड पे हम लोगों ने टेंट का जो ये पर्दे होते हैं इसको लगाया था, पर अभी चेंज कर दिया, थोड़ा सा वहाँ गलत लग रहा था तो इधर साइड को हमने डाल दिया है ये, और यहाँ पे टेबल और कुर्सियाँ भी लगा दी हैं जो मुख्य अतिथि आएंगे, और ये जो है अतिथियों के लिए गुलदस्ते बनाए हैं हम लोग। कभी भी जब भी समूह का कोई भी उद्घाटन होता है या CLF का, तो कभी भी जो है घर से ही इसको बना के लेके आते हैं, मार्केट से कभी भी हम लोग नहीं ख़रीदते हैं। तो ये है गुलदस्ता बहुत प्यारा सा। तो यहाँ पे अभी ना पूजा की तैयारी चल रही है, और टीका वगैरह तैयार कर देते हैं क्योंकि फिर सारे लोग आ जाएंगे तो फिर भूल भी जाएंगे, क्या पता टाइम भी नहीं मिल पाएगा। तो अभी पिठा वगैरह सारा जो है इसको तैयार करके रख देते हैं। बुके कितने बने? चाहो टूट जाल। तो ये हो गया है तैयार, और हमने यहाँ पे लगा रखा है सरस्वती माता के, वहीं पर ही हमने टेबल लगा रखा है। वो क्या है, बैज है। फोन आ गया है कि बढ़िया। तो कितने बने? ये भी इनको भी एक ले लेना है। ये देखो ना, तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं महिलाएं जो है धीरे धीरे करके आने लगी हैं, और यहीं पर ही जो है कुछ महिलाएं लेके आए होंगे घर से। अरे मुख्य अतिथि पहुँचने वाले हैं, कृपया ग्राम संगठन के अकॉर्डिंग बैठे। ये है महिलाएं हो रही तैयार यहाँ पे, और कुछ महिलाएं इधर साइड पे हैं, और कुछ महिलाएं उधर साइड पे हैं, और कुछ महिलाएं जो है इधर साइड पे हैं। अभी सारी महिलाएं पहुँची नहीं हैं। तो यहाँ पे मंच में जो है आप देख सकते हैं ये कलश रखे हुए हैं, जो कलश जो है ये तांबे के बनाए गए हैं, ये भी समूह के महिलाओं के जो परिवार वाले हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं। तो आपको दिखाते हैं एक बार में, सारे जितने भी कलश रखे हुए हैं सारे तांबे के हैं। ये तो खैर आर्टिफिशियल है, मार्केट से ख़रीदा हुआ, और ये कितने अच्छे लग रहे हैं प्यारे। तो अभी आप पीछे देख सकते हैं लगभग महिलाएं जो हैं आ चुकी हैं, तो धीरे धीरे आ रही हैं, अभी भी काफ़ी महिलाएं रही हैं, तो काफ़ी फील्ड भरा हुआ लग रहा है अभी। और एक चीज़ आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, जो कलश आज के जो है ना, मतलब हर संगठन से एक एक कलश आए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, एक बार आप लोगों को भी दिखाते हैं। सभी महिलाएं जितनी भी बैठी हैं, उत्तराखंड का जो हमारा पारंपरिक परिधान है पिछौड़ा वगैरह पहन के सारी महिलाएं बैठी हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। सारे पिछौड़े में आए हैं। तो यहाँ पे मुख्य अतिथि जी के स्वागत के लिए सभी महिलाएं तैयार हैं, तो रिबन भी गेट में लगा दिया है, तो सर लोग जो है पहुँचने ही वाले हैं अभी।
सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गूंजे ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजे ध्वनि मंगलम। निर्माण में अपनी भूमिका निभाने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं औपनिवेशिक मानसिकता के किसी भी निशान को मिटाने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रचार और संरक्षण पर गर्व करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं देश की एकता और एकजुटता के लिए प्रयास करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को और जिम्मेदारियों को पूरा करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं हमारे देश के बहादुरों के बलिदान का सम्मान करने और देश की रक्षा और प्रगति के लिए खुद को समर्पित करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। भारत माता की जय।